लेमन ढूंढती रह गई थी, बट ये ऑरेंज नहीं है, ये लेमन है। Welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. So after vlogging in Walmart, I got a few DMs asking me about the type of fruits and vegetables that I get in Toronto in Canada. Unki pricing cost kya hoti hai, quality kaisi hoti hai aur kya kya fruits and vegetables milte hain yahan par kaise hote hain. So I thought I'll make a video separately just on fruits and vegetables only. So aaj mujhe zyada khareedne hi the, fruits and vegetables ghar pe khatam ho gaye the. So I thought I'll make a video on it aur aap logo ko apne saath lekar chalti hu. So I'm going to Freshco, which is like 5 minutes walking from my place. So Freshco is a grocery store and it's like 5 minutes walking distance from my place jahan main aaj ja rahi hu, aur wahan pe bahut acche quality ki fruits and vegetables mil jate hain. Main generally yahi se apni shopping karti hu because it's just 5 minutes away from my place and it's True to its name, Freshco. काफ़ी fresh fruits and vegetables मिलते हैं मुझे वहाँ पर. तो चलते हैं Freshco और आप लोगों को साथ में लेकर चलती हूँ, दिखाती हूँ Canada में किस टाइप के fruits and vegetables मिलते हैं, उनकी costing क्या है. So let's go. तो यहाँ से अगर आप clouds का view देखो, sky का view देखो, clouds कितने clear view आ रहे हैं यार, कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है painting है कोई. So we have almost reached Freshco. मैं आई हूँ अभी सैलेड लीव्स लेने के लिए और आप देख सकते हो यहाँ पर दिस इज़ द होल सेक्शन जहाँ पर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दे सकते हो, सैलेड लीव्स मिल जाएंगे आपको, लेटस एंड ऑल. ये लेटस है यहाँ पे, सो दिस इज़ फॉर $1.49 ईच दिस वन. सो आई एम थिंकिंग टू टेक दिस. आप देख सकते हो यहाँ पर वाटर स्प्रे लगे हुए हैं. सो आई हैव टेकन दीज सीडलेस कुकम्बर्स. दिस इज़ फॉर, अच्छा यहाँ डील पे हैं तो ये 99 सेंट्स के हैं ईच. सो आई हैव टेकन टू ऑफ दीज और ये काफ़ी अच्छे होते हैं. सो गाइज, इंडियन खाना इस चीज़ के बिना पूरा नहीं होता, कोरिएंडर. तो यहाँ पर दिस इज़ फॉर 99 सेंट्स का. बीट रूट ले लेते हैं. सो गाइज, यहाँ पर बीट रूट है. सो दिस होल बंच इज़ फॉर $3.99. सो गाइज, यू कैन सी यहाँ पर टोमेटोज़ भी 3 वेराइटीज़ में. दिस वन इज़ फ्राम मेक्सिको, देन दिस वन इज़ फॉर 99 सेंट्स एंड दिस इज़ लोकल प्रोडक्ट ऑफ कैनेडा. सो मैं जनरली ये वाले टोमेटोज़ देती हूँ तो मतलब ठीक होता है इनका टेस्ट. सो आई एम गोइंग टू टेक दिस वन. और ये यहाँ पर इनको स्टेम टोमेटोज़ भी बोलते हैं, आप देख सकते हो इनकी स्टेम है. सो गाइज, एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर आकर एक्सप्लोर करी वो है कि इंडिया में हम लोग जब भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स देते हैं तो वो केजी के हिसाब से लेते हैं, बट इन कैनेडा ये एलबी के हिसाब से होता है, पाउंड के हिसाब से. तो स्टार्टिंग में हमें भी कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती थी. सो हाँ, जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस स्टोर्स में पाउंड के हिसाब से लिखा होता है, बट यहाँ पर केजी के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से लिखा हुआ है. सो पर केजी के हिसाब से दिस इज़ फॉर $4.39. बट अदरवाइज अगर आपको एलबी पाउंड को केजी में कन्वर्ट करना है वो भी कर सकते हो, इनटू 2.2 कर लेती हूँ मैं, तो वो केजी में प्राइस पर चल जाता है. बट जनरली पाउंड्स में होता है लिखा हुआ, बट यहाँ केजी में भी लिखा हुआ है, सो दैट्स अ गुड थिंग. सो ये कट वेजिटेबल्स हैं यहाँ पे, लेडी फिंगर. तो मुझे सब बहुत कन्वीनियंट लगता है यार, काटने की ज़रूरत ही नहीं है आपको. देन दिस इज़ पेठा, करेला, कैरेट. दिस इज़ फॉर $6.32. सो मिर्ची, ग्रीन चिलीज़ यहाँ पे मिल रही है हमें $4.12 की, जो कि हमें इंडिया में मिल जाती थी आराम से जब भी हम कुछ लेते थे सामान, सब्जी वब्जी भैया से, तो भैया को हम बोल के वैसे ही ले लेते थे. सो अगर आपको नॉर्मल भिंडी लेनी है, दैट इज़ ऑल्सो हेयर.
$4 की ये भी, सो आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक दिस वन। सो गाइस यहाँ पे जो भी वेजिटेबल्स मैं लेती हूँ काफ़ी फ्रेश मिल जाती है, और अभी तक जो भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स ट्राई कर रहे हैं फ्रॉम एनी स्टोर इन टोरोंटो काफ़ी फ्रेश होता है। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं निकला जिसका टेस्ट ठीक नहीं हो, अनटिल अनलेस आई ट्राइड समथिंग न्यू और सम न्यू काइंड ऑफ वेजिटेबल, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं निकला जिसका टेस्ट ख़राब हो या वो सब्जी या फ्रूट ख़राब हो। सो द प्रोडक्ट्स आर क्वाइट फ्रेश हो रहे हैं। सो ये ब्लैकबेरीज हैं, यहाँ का जो बेरीज़ का टेस्ट है चाहे वो ब्लैकबेरी हो, ब्लूबेरी हो, स्ट्रॉबेरीज़ हो, काफ़ी अच्छा होता है। एंड ब्लूबेरीज़, ब्लैकबेरीज़ आर रियली गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड पोटेशियम। दिस बॉक्स इज़ फॉर $3.99 ईच। सो गाइस यू कैन सी द वैरायटी ऑफ ग्रेप्स ओवर हियर। सो ये रेड ग्रेप्स हैं दो टाइप्स के। सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है इनकी, दीज आर सीडलेस एंड दिस इज़ प्राइस दैट $298 पर LB। KG में है $6.58 पर KG। दीज आर ग्रीन ग्रेप्स, सो दिस इज़ फॉर $6.59 पर KG दिस वन। देन यहाँ पर ब्लैक ग्रेप्स भी हैं, तो इनको बोलते हैं ग्रैंड डिला। सो यहाँ पर बनानास हैं एंड 99 सेंट्स के मिल रहे हैं ये पर पाउंड। सो आई थिंक आई विल बी बाइंग अ वाटरमेलन। और यहाँ पर बेस्ट चीज़ है वाटरमेलन की, दैट दीज आर सीडलेस। सो ये वाले जो वाटरमेलन आप साइजेस देख सकते हो, मीडियम साइज़ है, मीडियम टू लार्ज, और ये है $5.99 ईच। फिर वहाँ तो भैया को बोल के हम ले लेते थे, भैया बताओ, भैया कुछ ऐसे ऐसे कर कर चेक करते थे एंड ही इज़ टू गिव अस कि हाँ ये मीठा निकलेगा। सो यहाँ पर अभी तक जितने वाटरमेलन हमने लिए हैं वो मीठे ही निकले हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग। सो लेट्स सी मैं कौन सा लेती हूँ। यार मैंगोज नहीं मिल, ये मैंगोज है, कितने छोटे हैं यार ये मैंगोज। यू नो गाइज, मेरे को यहाँ पर सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल गए, जो एक चीज़ मेरे को नहीं मिली है वो है मैंगोज़। मतलब जो ट्राई भी करे मैंने यहाँ पर वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे मुझे, आई डोंट नो वाई। और आई नो इंडिया में समर्स चल रही है और वहाँ पर काफ़ी अच्छे मैंगोज़ मिल रहे होंगे अभी। पीपल हु आर लिविंग इन टोरोंटो, प्लीज़ लेट मी नो कहाँ से अच्छे मैंगोज़ मिलेंगे, क्योंकि आई हैव हर्ड कि पाकिस्तानी मैंगोज़ अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, बट वो कहाँ पे मिलेंगे, कौन से स्टोर में, बिकॉज आई हैव नॉट गॉट इट। अभी तक वॉलमार्ट के ट्राई कर लिए मैंने, फूड बेसिक के भी करें ट्राई, एंड फ्रेशको में यू कैन सी दीज मैंगोज आर देयर, विच आई एम नॉट श्योर इफ आई एम गोइंग टू ट्राई। ये भी मैंगो है। ओह सो ये रेड स्मॉल कौन से हैं यार, हिंदी में क्या बोलते हैं, दशहरी लंगड़ा, आई डोंट नो, बट ये तो मतलब लग रहे हैं कच्चे हैं अभी। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दीज। सो गाइज आप लेमन का साइज़ देख सकते हो यहाँ पर। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आई थी तो मैंने आई मिसटुक लेमन फॉर ऑरेंज, मुझे एक्चुअली लगा था ये ऑरेंज और मैं लेमन ढूंढती रह गई थी, बट ये ऑरेंज नहीं है, ये लेमन है। एंड इसका प्राइस है 79 सेंट्स ईच वन पीस। सो आई डोंट नो ये चीप है एक्सपेंसिव है, क्योंकि आई हर्ड दिल्ली में काफ़ी एक्सपेंसिव है आजकल लेमन, बट आई डेफिनेटली आस्क बैक होम। एप्पल्स भी यहाँ पर तीन टाइप के हैं, लास्ट टाइम मैंने वॉलमार्ट से लिए थे, दोज वो आई डोंट नो कैनेडियन एप्पल्स थे, वो काफ़ी अच्छे थे, वो एक पैक में थे। ग्रीन एप्पल भी है यहाँ पे, हनी क्रिस्प एप्पल। एक्चुअली मैं हर टाइम कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन से लूँ, अभी तक मैंने जो ट्राई करे हाँ आई थिंक ये थे, क्योंकि वो भी पैक थे। सो आई एम टेकिंग दीज एप्पल्स, दीज ये पूरा पैक है $5.99 का। सो आई जस्ट सॉ प्लम्स यहाँ पे, और प्लम्स का प्राइस है $3.49। सो अभी तक मैंने यहाँ के कैनेडा में मेलन से ट्राई करे हैं, दैट इज़ खरबूजे, और आप देख सकते हो मेलन यहाँ पर इंडिया में जो स्ट्राइप वाले मिलते थे वैसे वाले नहीं है मेलन यहाँ पे। एंड दिस इज़ फॉर $5.99 ईच। गोभी भी यहाँ मिल रही है, गोभी मिल रही है $4.99 ईच, काफ़ी फ्रेश लग रही है। किन किन लोगों को छली खानी पसंद है प्लीज़ कमेंट डाउन, आई लव। सो बैक इन इंडिया आई यूज़ टू हैव अ लॉट ऑफ छली, सो जो हम बॉयल करके खाते हैं छली, आई जस्ट लव हैविंग दैट, और जो रोस्ट करके खाते हैं वो भी अच्छी लगती है। और यहाँ पर ये मिल रही है कॉर्न, $5.99 की है ईच दिस होल ट्रे। कैप्सिकम का प्राइस है $2.99 पर पाउंड, और केजी में अगर हम देखें तो है $6.59 पर केजी। और ये कैमरा में तो अच्छा कैप्चर हो रहा है ना, तो कलरफुल लग रहे हैं। फॉर ऑल मशरूम लवर्स, दो आई डोंट लाइक हैविंग मशरूम, ये है $2.49 का एक बॉक्स। ये अनियंस अब देखो, वाइट, येलो, रेड, स्मॉल, लार्ज, दिस वन बैग ऑफ अनियन इज़ फॉर $10.99। सो दीज आर रेड अनियंस, और ये काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। मतलब यहाँ पर वाइट अनियंस भी मिलते हैं, येलो अनियंस, सॉरी नॉट वाइट,
ये मीडियम साइज के हैं. सो स्वीट पोटैटोज, दीज आर दी वैरायटी ऑफ पोटैटोज. हर चीज़ में वैरायटी. यहाँ पर वाइट पोटैटोज हैं. सो मैंने ये वाले पोटैटोज लिए हैं. इनका प्राइस है $179 पर LB एंड $395 पर kg. ये वाले पोटैटोज भी मैंने ट्राई करे थे. येलो पोटैटोज बोलते हैं इनको. $249 पर LB. आई डेंट लाइक इट दैट मच. सो गाइज, द बेस्ट थिंग इज़ यहाँ पर शॉपिंग करना बहुत ही ईजी है. मतलब आप खुद से ही अपना फ्रूट्स वेजिटेबल्स सेलेक्ट कर सकते हो. देन यू कैन वे ऑल्सो. दिस इज़ अ वेइंग मशीन ओवर हियर. एंड देन वन मोर थिंग, यहाँ पर सेल्फ बिलिंग काउंटर्स भी हैं यहाँ पर. सो द शॉपिंग इज़ क्वाइट कन्वीनियंट ओवर हियर. और जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स है बहुत फ्रेश है यहाँ पर. सो गाइस, नॉट जस्ट वेजिटेबल्स, सब्जियों के अलावा अगर आपको फ्रूट्स भी, कट फ्रूट्स चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे. अनार छीले हुए, मतलब बेस्ट हैं. जितनी मेहनत अनार छीलने में लगती है ना, उतनी खाने में नहीं लगती है. और मैं इसलिए अनार नहीं लेकर आती हूँ. द अदर डे आई हैड पोमग्रेनेट जूस और बहुत ही टेस्टी था. और मैंने सोचा था मैं अनार लेकर जाऊँगी, बट छीलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे छीला नहीं जाता वो. बट दिस इज़ लाइक गुड. तो ये जो बॉक्स है ये 122 grams का है. एंड इसका कॉस्ट है $349. फॉर ऑल पाइन एप्पल लवर्स, यू विल गेट पाइन एप्पल, कट पाइन एप्पल, स्लाइसेस ऑफ पाइन एप्पल ओवर हियर. ये क्या है? सलाद. ओह ओके. वो सैलेड अगर आपको स्प्राउट्स एंड ऑल के लिए यूज़ करना, तो मैं यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है आसानी से. देन दिस इज मिक्सड फ्रूट. नो, दिस इज वेजिटेबल्स. ओके, दिस इज ऑल द सैलेड बोल काइंड ऑफ अ थिंग. सो गाइस, ये एलोवेरा लीफ मिल रही है यहाँ पे, जो इंडिया में घर घर में लगी हुई है. और यहाँ पर एलोवेरा लीफ मिल रही है $299 ईच. एंड लुक व्हाट आई फाउंड, गन्ना, शुगर केन. दीज आर ग्रिल पोटैटोज. बारबेक्यू में अगर आपको यूज़ करना है, बारबेक्यू करना है आपको, सो यू कैन यूज दीज पोटैटोज. गाइज, सो ये मैंने देखा और मुझे लगा मैक पिज़्ज़ा पफ मैकडोनल्ड्स का मिल गया मुझे. दीज आर बीफ पैटीज. सो आई जस्ट सो यहाँ पर फ्रोजन मटर और फ्रोजन वेजिटेबल्स हैं, ये देख सकते हो, मटर, बीन्स. सो गाइज, मैं आई तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए थी. और अभी माय हस्बैंड वाज टेलिंग मी, यार तू फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए आई थी, कहाँ पर आ गई, आइसक्रीम सेक्शन में. तो बट आई थॉट चलो आप लोगों को आइसक्रीम्स भी दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ हैं आइसक्रीम की. सो पान फ्लेवर मैंने ट्राई करा हुआ है, बहुत ही टेस्टी है. यहाँ पर सेलेक्शन ब्रांड का हमने लिया था एक दो दिन पहले, सो आई रियली लव्ड इट. यहाँ पर आकर हमने ये भी खाई है ना, हेज़लनट्स ब्रांड की प्रोलाइंस एंड क्रीम हमने खाई थी. एंड दिस इज़ रियली यम्मी. और आई एम श्योर इसकी चॉकलेट भी अच्छी होगी, जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं करी है. बट सी व्हाट आई फाउंड, ओरियो बिस्किट आइसक्रीम. आई रिमेंबर बचपन में पता नहीं कौन सी ब्रांड की खाते थे हम, मदर डेयरी होते थे और क्वालिटी वोज होती थी, तो उसकी वो बिस्किट, रेक्टेंगल शेप की बिस्किट आइसक्रीम आती थी. आई रिमेंबर मैं आई यूज़ टू हैव इट अ लॉट. सो मेरे को ये देखकर ना, ओरियो बिस्किट आइसक्रीम देखकर उसकी याद आ गई. यार ये इंडिया में होते हैं ओरियो बिस्किट आइसक्रीम, यहीं पर है, बट मैं अभी नहीं ले रही हूँ. अभी हमारे घर में ऑलरेडी बहुत डब्बे पड़े हैं आइसक्रीम के. सो मे बी नेक्स्ट टाइम आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई बिस्किट वाली आइसक्रीम ओरियो की. सो चलें अब. सो गाइज, आई एम डन विद माई ग्रोसरी शॉपिंग एंड गोइंग बैक टू होम नाउ. सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू गाइज. एंड अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.